तो भाई नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइक्स इन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कक्षा 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद कोड है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर आपने पीछे का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखने के वीडियो को आप अंत तक पूरे देखिए ताकि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले मुस्लिम लीग के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुआ। ये बहुत ही ज्यादा बिहार बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और 12th और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई, तो 1906 में हुई। और ये आपका पूरा अगर डाटा बताए कितना तारीख हुआ, 30 दिसंबर 1906 में हुआ। और इसमें कितने मुस्लिम नेताओं ने स्टार्टिंग में भाग लिया था, तो अक्टूबर का माह था और उसमें दोस्तों 35 मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना में भाग लिए थे। आइए देखते हैं कि इसमें और मुस्लिम लीग को और क्या कहते हैं। तो मुस्लिम लीग को और दूसरा नाम से पेपर में आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, इसका नाम को बदल दिया गया। और इसे काफी डेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काफी डेंसी। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 30 दिसंबर 1906। और आपका अक्टूबर में इसमें कितने मुस्लिम नेताओं ने सहमति डाली थी, 35 मुस्लिम नेताओं ने। अब आइए देखते हैं स्टार्टिंग की जर्नी क्या थी, कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो देखिए 1857 की जब विद्रोह हुआ उसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता थी, और इस एकता को देखकर अंग्रेज जो है दंग रह गए और अचंभित हो गए। अब भाई साहब उन्होंने क्या किया, वो एक नीति डाल दी, क्या फूट डालो और राज करो। उन्होंने ऐसा कह दिया कि जो कांग्रेस है वो अन्य हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम आपको मतलब कोई मदद नहीं करता, ठीक है। तो उन्होंने फूट डालना चालू कर दी। तो भाई साहब हुआ क्या, 1887 में लॉर्ड डफरी ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहा। 1887 में लॉर्ड डफरी जो एक अंग्रेज थे उसने क्या कहा, कांग्रेस को क्या बताया, हिंदुओं की पार्टी बता दिया। तो पूछा था हिंदू कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरी ने कब कहा था, 1887। फिर आगे क्या हुआ, एक विलियम हंटर, ये भी एक अंग्रेज थे, इन्होंने क्या कहा, अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर क्या कर दिया, बल दे दिया। मतलब जो अंग्रेज थे वो मुस्लिम से दोस्ती करने लगे, ठीक है, और उसे भड़काने लगे, और इस तरह सांप्रदायिकता का जन्म होने लगा। तो सांप्रदायिकता क्या चीज होती है, ये भी आपको एक स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा, इसी में लास्ट में आप थोड़ा जल्दी जानिए। तो आप यार ना कि विलियम हंटर ने क्या किया, मुस्लिम अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर बल किसने दिया, तो विलियम हंटर ने, इसी वक्त 1887 में। और फिर इसके बाद मुस्लिम लिंग मुस्लिम शिक्षा का प्रसार जो है कौन किए, तो अब्दुल लतीफ किए, आगा खान किए, सर सैयद अहमद खान किए। और सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की क्या की स्थापना की, कहाँ की है, अलीगढ़ में। अलीगढ़ भाई कहाँ पड़ता है, यार ना यूपी में। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है, तो अलीगढ़ में। अलीगढ़ कहाँ है, यूपी में। 1877 किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। तो पूछा है बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ, 1905 में हुआ। और मुस्लिम लीग का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। और बंगाल विभाजन घोषणा हुआ तो एक पश्चिमी बंगाल हो गया, एक पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान शब्द से संबोधित किया गया। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो आते हैं वो 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर लिए, वापस ले लिए। तो बंगाल विभाजन को वापस कौन ले लिया था, तो लॉर्ड हार्डिंग, कब लिया था, 1911 में। इसके बाद 1916 में क्या हुआ, लिंग समझौता हुआ। लिंग समझौता किसके बीच हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ, ठीक है। और आपका है क्या कि मतलब ये समझौता के द्वारा क्या हुआ, उसके बाद जो आगे की जो भी क्रांतियां हुई, जो भी आंदोलन हुए, उसमें मुस्लिम लीग क्या हुए, भाग लिए, लेकिन आपका सबने अभी आंदोलन भाग नहीं लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बड़ी समझ में आ चुकी है। इसके बाद मोहम्मद अली जो हमें जिन्ना जी थे वो कांग्रेस से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और भारत के विभाजन की बात करते हैं। और इस तरह इंडिया पाकिस्तान की बंटवारा कब हो जाती है, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या होता है, इंडिया से अलग हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत का विभाजन कब होता है, इंडिया कब पाकिस्तान से, इंडिया कब अलग होती है, तो आप कहना 14 अगस्त 1947 को। एक बात और आप याद रखेंगे दोस्तों कि अंग्रेज जो है कब जाने लगे, इंडिया से लौट कर कब जाने लगे, तो अगर मार्च 1947 के बाद।
अंग्रेज इंडिया से कब जाने लगे, मार्च 1947 के बाद। दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप कृपया याद करेंगे, क्योंकि सवाल जो है ना थोड़ा बहुत आप इधर साइड से भी ले रहा है, ये आपके बुक में भी हार बोलर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दे रहा है। जैसे कि आपका है क्या, मतलब सवाल पूछ दिया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। बीटीसी किताब में आप देखेंगे कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है, गांधी राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये दोस्तों बात एक टूवेल की प्रश्न है। इसके बाद एक और था, सुवेज नहर कब खोला गया, ये भी एक क्वेश्चन था टूवेल का, टूवेल के दो प्रश्न को डाल दिया है, टूवेल के इससे रिलेटेड दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आप इसे याद कर लीजिए। स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे जी, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर पूछेगा अंतिम वायसराय कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्या रहेगा आपको फिर, लेकिन आपका पूछेगा कि अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। कौन थे, सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर, अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, तो श्री राजगोपाल चारी थे। अब है क्या ध्यान देना कि पाक का स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, 14 अगस्त 1947 को। पाक को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, 14 अगस्त 1947। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1900। लखनऊ समझौता कब हुआ, 1900। इसे लिंग समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, ये लिंग समझौता क्यों कहते हैं, क्योंकि समझौता लिंग और कांग्रेस के बीच हुई थी। लिंग और किसकी वजह से, कांग्रेस की वजह। अब है देखा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, 1905। मुस्लिम लीग के सपना 1906 में, बंगाल विभाजन घोषणा 1905। पाकिस्तान सब जो है किसने दिया, चौधरी रहमत अली। कौन दिए, चौधरी रहमत अली। अब मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो भाई साहब क्या थे, तो देखो वो होम रूल लिंग आंदोलन के समर्थन थे। होम रूल लिंग आंदोलन क्या थे, समर्थन थे। और असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, असहयोग आंदोलन क्या थे, विरोधी थे। और बेबेल योजना को अस्वीकार किया, बेबेल योजना क्या कहना है। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1938-1939 दोनों में बने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1939 में ही हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसके समय जी, हार्वर्ड ब्लॉक, अलग एक पार्टी बनाया हार्वर्ड ब्लॉक। फिर जय हिंद फौज का गठन किया, कहां किया, तो सिंगापुर। कहां किया जी, सिंगापुर। फिर कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946। अब कैबिनेट में सदस्य कौन नहीं थे, तो एवरी क्या थे, नहीं थे। और कौन थे, तो क्रिप्स थे, पैथिस लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। एक अलग से वीवीआई क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन आपका रहेगा पैथिस लॉरेंस। कौन जी, पैथिस लॉरेंस। ठीक है, कह रहा है आपको पैथिस लॉरेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1949 को। मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1949। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। और मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ, 1916 में। फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। कब हुई, 1885 में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885। और कांग्रेस का मतलब क्या होता है, लोगों का समूह होता है। क्या था जी, लोगों का समूह होता है। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। याद है आपको, आइए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो विवेश चंद्र बनर्जी। अब पूछेगा कि पहले सिर्फ अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, एनी बेसेंट। आई क्या कह रहा है, प्रथम अध्यवेशन के अध्यक्ष, अधिवेशन के अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सिर्फ अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, श्री राजगोपालचारी। कौन थे जी, श्री राजगोपालचारी। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, 18 जुलाई क्या दी, 18 जुलाई। कब जी, 18 जुलाई 1947 को। अब भारत का स्वतंत्र जब हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी। किसकी थी, लेबर पार्टी। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, मुस्लिम लीग ने। किसने जी, मुस्लिम लीग ने।
रह गया सांप्रदायिक सांप्रदायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किस किस फॉर्मूला को प्रस्तुत किया गया, तो सी राज गोपालचारी फॉर्मूला को प्रस्तुत किया गया। ये कौन थे भाई साहब, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए। एक और चैप्टर बच चुका है और हर चैप्टर के वीडियो देखने के बाद आप टारगेट गाइड सब्जेक्टिव जरूर लगाएंगे, तब जाके आपका 95 मार्क्स कोई नहीं रख सकता है।